नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी और खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 10 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने जा रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने जा रही है। करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। ये बहुत ही तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के जमशेदपुर में ग्रामीणों को बड़ा तोहफा देंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 26 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। पीएम मोदी किश्त के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। केदारनाथ धाम के लिए द्वितीय चरण की हेलीकॉप्टर सेवाएं आज से शुरू हो जाएंगी। वर्तमान में 4 हेलीकॉप्टर सेवाएं दे रही हैं। प्रतिदिन 250 यात्री हेली से दर्शनों को पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अब तक 66,829 यात्री हेली सेवा से दर्शन कर चुके हैं। आज पिथौरागढ़ के मड़मानली क्षेत्र स्थित जगन्नाथ मंदिर में मेले का आयोजन होगा। प्रतिवर्ष लगने वाले मेले में मड़मानली गलात अखुली भौतड़ी से डोला लाया जाता है, जिसका मिलन मंदिर परिसर में होता है। इस दौरान मंदिर परिसर में देव डांगर अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। आज आदिवासी उत्थान कल्याण समिति द्वारा शहनाई बारात घर में सुबह 10 बजे कर्मा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जंगल और मानव के बीच की दोस्ती एवं समन्वय को दर्शाया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। बता दें कि राजभाषा विभाग हिंदी की राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। भारत में हर साल आज के दिन को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसके पीछे एक मुख्य कारण है। बता दें कि सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें सर की उपाधि दी गई है, भारत के वो महान इंजीनियर हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनका आज के दिन साल 1861 में कर्नाटक में जन्म हुआ था। बता दें उन्हें फादर ऑफ इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। आज पाटन में एक दिवसीय जल चिकित्सा कार्यशाला आयोजित होगी। कार्यशाला का आयोजन पाटन के ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे से होगा, जहाँ देश के अलग अलग राज्यों से अतिथि वक्ता कार्यशाला में अपनी बात रखेंगे, साथ ही जल चिकित्सा का प्रयोग कर दिखाएंगे। कोटा में आज बैरवा समिति का चुनाव बैरवा छात्रावास विनोवा भावे नगर में होगा। चुनाव अधिकारी रमेश चंद बैरवा ने बताया कि चुनाव में अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव के लिए चुनाव होगा। आज मौसम विभाग द्वारा झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड में मानसून कमजोर हो गया है, लेकिन एक चक्रवाती सिस्टम म्यांमार और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है, जिस कारण से आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1812 में आज के दिन नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना मॉस्को के क्रेमलिन पहुंची। साल 1959 में आज के दिन भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत हुई। साल 1982 में आज के दिन लेबनान के निर्वाचित राष्ट्रपति बशीर घेमायेल की पदासीन होने के पूर्व ही बम विस्फोट में हत्या हो गई। साल 1894 में आज के दिन प्योंगयांग की लड़ाई में जापान ने चीन को करारी मात। साल 1916 में आज के दिन प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार सोम्य की लड़ाई में टैंक का इस्तेमाल किया गया। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।